हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत BGMIS क्लास से और BGMIS क्लास में आपका स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो में या आज की इस क्लास में क्या बताने वाले हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले वाले क्लास में लोग क्या पढ़े होंगे। हम लोग बोले होंगे कि हम लोग पश्चिम घाट पढ़ने वाले हैं और इस पश्चिम घाट में हम लोग इस तरह से पढ़े होंगे और बोले होंगे इस पश्चिम घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो इन राज्यों में मिलती है। इन छह राज्यों में और गुजरात के दक्षिण से एक रेखा गुजरा हुआ है और इस रेखा को बोलते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ये पश्चिम घाट को दो बराबर भागों में बांटती थी। और ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में हम लोग को क्या याद करना पड़ेगा कि इधर वाले भाग को हम लोग बोलते थे सह्याद्री पर्वत और इधर वाले भाग को हम लोग बोलते थे नीलगिरी। तो ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़े होंगे और आज हमें नीलगिरी के बारे में पढ़ना है। सह्याद्री के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, जैसे कि हम ये भी पढ़ लिए थे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर है। ठीक है, इत्यादि चीज हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग इससे काम करेंगे। चलिए हम नीलगिरी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फिर से बोलेंगे कि पहली वीडियो जरूर देखिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बोल रहे हैं तो मेरी पहली वीडियो पढ़िएगा भाग वन को, आज भाग टू पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें हम क्या बताए होंगे कि यहाँ पर एक है गिर की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर है सालहेर और यहाँ पे है कालसुबाई, यहाँ पे है ब्रह्मगिरी, ठीक है ना, यहाँ पे महाबलेश्वर, यहाँ पे है ब्रह्मगिरी, ठीक है। इस तरह से हम टोटल दोधा बेटा तक देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने क्या बोला अभी कि नीलगिरी के बारे में पढ़ने हैं, बिल्कुल सही। तो इस नीलगिरी में हम लोग क्या देखेंगे, आज हमें सिर्फ कितने स्टेट से मतलब रह गए हैं, तीन से नीलगिरी में, क्योंकि छह में से तीन हम लोग पढ़ लिए थे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और हमारी पार्ट वन को देखिएगा, इसके पार्ट वन को, पश्चिम घाट के पार्ट वन को, तो हम सबसे पहले बोल देंगे कि यहाँ पर एक ये कर्नाटक है और ये केरला और ये तमिलनाडु। तो कर्नाटक और केरल, ये जो तमिलनाडु है, देखिएगा ये जो कर्नाटक और केरल ये तमिलनाडु है, तो यहां पर एक पर्वत है और इन पर्वत का बाबू नाम है नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इससे भी पहले आप लोग को हम बताए होंगे कि यहां पर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा था जो पश्चिम घाट को दो भागों में बांटा था। तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नीचे वाले जो भाग है, तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की जो नीचे वाले भाग है, इसको हम लोग ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पूरे पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है। तो ये नीचे वाले भाग को हम लोग नीलगिरी और ऊपर वाले भाग को हम लोग सह्याद्री पर्वत के नाम से क्या कहते थे, जानते थे। चलिए इस नीलगिरी के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। बोलिए किस चीज का नाम है, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। फिर पुष्पगिरी और कुद्रेमुख,
अब लिख देना चाहते हैं तीनों का नाम। एक का नाम है ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी और कुद्रेमुख। फिर उसके बाद हम केरला में क्या देखेंगे, इस केरल राज्य में एक दो तीन और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो इस केरल राज्य में हम लोग क्या देखेंगे, इस केरल राज्य में बोलना पड़ेगा अन्नामलाई और अनाईमुदी, अन्नामलाई और अनाईमुदी और कार्डमम की पहाड़ी। लिख देते हैं अनाई मुदी अन्ना मलाई और ठड में क्या नाम है इसका, कार्डेमम की पहाड़ी। तो ये तीनों हो गया केरल में, कहाँ हो गया, ये तीनों हो गया केरल में, ये तीनों हो गई कर्नाटक में। अब इस तमिलनाडु वालों के बारे में भी देखेंगे, तमिलनाडु वालों के बारे में भी देखेंगे। तो हम क्यों ना यहां पर ऐसे लिख ले कि इसके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिम घाट, और दक्षिणी पश्चिमी घाट को हम लोग नीलगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब इस नीलगिरी का हम सबसे पहले क्यों ना देख लें विस्तार, विस्तार लीजिए भाई, हम विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार मिलता है कर्नाटक, केरल और तमिल नाडु में मिलती है। तो कर्नाटक में इस पश्चिमी घाट यानी कि नीलगिरी में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको देखेंगे। एक का नाम हो जाए कर्नाटक में, याद कीजिएगा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी, अठड़ में क्या है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख पहाड़ी। अब इसमें भी क्या देखें, केरल में, केरल में भी यहां पर दिख रहा है और नाईमुदी अनाईमुदी अन्नामलाई, अनाईमुदी अन्नामलाई कार्डेमम की पहाड़ी, और कार्डेमम की पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये तीनों कहाँ हो गया, केरल में। और भी इस तमिलनाडु में क्या देखते हैं, बाबा बुदन, बोलिए बाबा बुदन, कोयल की पहाड़ी, दोधा बेटा, बाबा बुदन, कोयल की पहाड़ी, बाबा बुदन, पालनी की पहाड़ी, नाग, कोयल की पहाड़ी। तो ये सभी सभी कहाँ हैं, यहां पे हैं। इस तरह से हम क्या कर लेंगे इसको,
ध्यान देकर क्या करेंगे, ये जो ब्रह्मगिरी है इस ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है, इस ब्रह्मगिरी से क्या निकल गई, एक नदी निकल गई। और इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नदी को हम लोग कावेरी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम जानते हैं, इसका नाम है कावेरी। जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में क्या देखे थे, बोलिए, कृष्णा और इसके ऊपर में गोदावरी। अभी हम नदी नहीं पढ़ रहे हैं, नदी पढ़ेंगे भी हम पर्वत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया होगा तो इसको जल्दी से बताइए ताकि हम आगे पढ़ें। अब आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग, हम देखेंगे इसमें कि जो नीलगिरी पर्वत है तो इस नीलगिरी पर्वत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी उसका नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है, और इस अनाईमुदी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, दोदा बेटा। और इस दोदा बेटा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। एक में देख लिए 2637 मीटर, इसमें 2695 मीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी या ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, अन्नामलाई, सॉरी माफ कीजिए, अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई का ही ऊंचा भाग है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम हो गया, ये नाम हो गया दोदा बेटा। अब हम नोट में देखते हैं या इसके आगे क्या पढ़ते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है, इस दक्षिणी पश्चिमी घाट में चट्टान के रूप में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। जबकि मिट्टी में क्या याद करेंगे हम लोग, दो मिट्टी का नाम, एक रेड सोयल लाल मिट्टी और एक लेटे राइट मिट्टी। अब इसमें से क्या याद करेंगे, उत्पादन क्या क्या किया जाता है, उत्पादन में याद करेंगे हम लोग इस तरह से कि इसमें उत्पादन के रूप में सबसे पहले बात देखिएगा, काजू, रबड़, मसाला, काजू रबड़ मसाला, चाय इत्यादि। तो हम लोग नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ लिए, इसको अच्छा से आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा। और इसमें अगर हम नोट में पढ़ना चाहें दोदा बेटा के बारे में, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके आगे बढ़ें। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसके आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि ये जो रास्ता तमिलनाडु था, और इस तमिलनाडु में यहां पर दोदा बेटा क्या है, दोदा बेटा की पहाड़ी है। ये दोदा बेटा कहां है, तमिलनाडु में है। और इस दोदा बेटा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोदा बेटा पर ही एक शहर है जिस शहर का नाम है ऊटी। और ये जो ऊटी शहर है यह तमिलनाडु का पर्वतीय शहर है। और इस ऊटी में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होती है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां, ऊटी में, तमिलनाडु में। और इस ऊटी में फिल्म की शूटिंग भी सर्वाधिक की जाती है, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में बना हुआ था। दक्षिण भारत में सबसे अधिक फिल्म की शूटिंग कहां, ऊटी में की जाती है। और चाय का उत्पादन किया जाता है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम, और फिल्म का उत्पादन महाराष्ट्र में शूटिंग।
तो इस तरह से हम लोग पढ़े, बहुत सारे चीज ऐसे थे जो हमने कंफ्यूजन एग्जाम के हिसाब से सब बताया गया। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसका शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद बने रहिएगा, पूर्वी घाट पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।